लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम रेलिवेंस देखूँ तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डिफरेंस जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका वाउचिंग करो वेरिफिकेशन करो, तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि वो आइटम है वो वाउचिंग है कि वेरिफिकेशन है। पहला डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस पता लगाने का कि वाउचिंग है कि वेरिफिकेशन है, वो सबसे बड़ा यही है, जो वाउचिंग होती है वो पीएनएल आइटम्स की होती है और वेरिफिकेशन होती है वो बैलेंस शीट आइटम की होती है। अगर मैं डिफरेंस जल्दी जल्दी गिनवाऊं तो बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। पहला डिफरेंस कहता है ये एग्जामिनेशन करता है ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का, कौन सा वाउचिंग, और वेरिफिकेशन हमारा जो एग्जामिन करता है वो होता है अकाउंट बैलेंसेज, जो कि मैंने बताया बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है वाउचिंग इज कंडक्टेड थ्रू आउट द पीरियड। ऑब्वियसली जब हम वाउचिंग करते हैं टिक करते हैं कि डेट सही है ये सही है, तो वो हम थ्रू आउट द ईयर करते हैं, वाउचिंग कर रहे हैं हम। लेकिन हम जब वो करते हैं वेरिफिकेशन करते हैं बैलेंस शीट आइटम का, तो हम वेरीफाई करते हैं नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक चेक करना है कि स्टॉक उस डेट को क्लोजिंग बैलेंस को उतना है कि नहीं, तो वो हम बैलेंस शीट डेट पे ही करेंगे ना, थ्रू आउट द ईयर तो चेक करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड डिफरेंस है वाउचिंग इज अ रूटीन ऑडिट प्रोसीजर एंड वेरिफिकेशन इज नॉट अ रूटीन ऑडिट प्रोसीजर। ऑब्वियसली ये सेकेंड पॉइंट से कनेक्टेड है, वो रूटीन है वो रूटीन नहीं है। फोर्थ पॉइंट, वाउचिंग इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लेकिन वेरिफिकेशन जो कंडक्ट होता है वो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस एज वेल एज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। ऑब्वियसली अब वाउचिंग है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। वाउचिंग कर रहे हैं हमने वाउचिंग करी कि ये खाने का एक्सपेंस किया डायरेक्टर साहब ने, ठीक है, डाल दिया, वो इम्पॉर्टेंट था, क्लाइंट के साथ खाया पिया था। लेकिन अब हम इसकी इंस्पेक्शन तो जाके करेंगे नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन की, हाँ भाई वो रेस्टोरेंट कहाँ पर है कितना खाया था इतना सब कुछ तो करेंगे नहीं, लेकिन हम एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि स्टॉक एट द लास्ट डेट है कि नहीं, मशीनरी है कि नहीं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट डिफरेंस का कहता है वाउचिंग जनरली कंडक्ट करता है जूनियर स्टाफ और वेरिफिकेशन कंडक्ट करता है सीनियर स्टाफ। ये भी आसानी से लर्न हो रहा है, वाउचिंग जो ये टिक टिक करने हैं कि डेट सही है अमाउंट सही है ऑथराइज सिग्नेचर है कि नहीं, ये हमारा जूनियर स्टाफ करता है, हमारे आर्टिकल्स करते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें वेरिफिकेशन टाइप होती हैं कि अकाउंट बैलेंस चेक करने होते हैं, एसेट्स देखनी होती हैं, जो कि आसान काम है, वो हमारे स्टाफ लोग करते हैं, हमारे प्रिंसिपल करते हैं, हमारे मतलब टीचर्स करते हैं। एंड सिक्स्थ पॉइंट डिफरेंस है इन वाउचिंग में एसर्शंस कवर होती हैं जैसे कि अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ अरेंजमेंट। ये वही वाली एसर्शन है ट्रांजेक्शन वाली, और अकाउंट बैलेंस की यहाँ पर हो जाएंगी वेरिफिकेशन में, कौन कौन सी, एग्जिस्टिंग चार्ज ऑन एसेट्स, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशन। आई होप आप लोगों को डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के बीच। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है वाउचिंग इज ऑन पीएनएल आइटम्स, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स पे बेस करती है, और वेरिफिकेशन इज ऑन बैलेंस शीट आइटम, एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड अकाउंट बैलेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों।